न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। केंद्र से राहत पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया MSME सेक्टर के 57,000 उद्यमियों को 2,000 करोड़ से अधिक का लोन। गोरखपुर के भी 5 उद्यमियों को भी दिया गया लोन। गोरखपुर में गुरुवार को 4 युवकों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल कोरोना संक्रमित की संख्या हुई 10। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी की पुष्टि। गोरखपुर मंडल में COVID-19 वायरस से 15 मरीज थे संक्रमित। बृहस्पतिवार को 6 मरीज पाए गए कोरोना निगेटिव। पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर गए अपने अपने घरों को। गोरखपुर जनपद में बाहर से आए 4 व्यक्ति पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब गोरखपुर मंडल में COVID-19 संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13। खजनी थाने की पुलिस ने लोटन हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी मनीष निषाद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल चाकू किया बरामद। आरोपी को भेजा जेल। बांसगांव पुलिस ने सातिर ठगों के अंतर जनपदीय गैंग के सरगना चूड़ामणि पाठक समेत 5 सातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 24,770 नकदी, 10 ATM समेत 6 मोबाइल भी किया बरामद। डीएम ने किया चौरी चौरा क्षेत्र के गांव बाघड़ का दौरा। होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को घरों में रहने की दी नसीहत। कहा घरों से बाहर मिले तो होगी कार्रवाई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर SP रेलवे की अध्यक्षता में आयोजित हुआ सेमिनार। GRP के जवानों को कोरोना से बचाव की दी गई जानकारी। SP रेलवे ने कहा यात्री सुविधाओं के साथ सेवा भाव में जुटी है GRP। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से गुरुवार को लगभग 12,000 श्रमिक पहुंचे गोरखपुर। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम के बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। सकुशल श्रमिकों ने घर वापसी पर योगी सरकार को दिया धन्यवाद। बिना ई पास के महानगर में खुल रही दुकानों की शिकायतों सिटी मजिस्ट्रेट और CEO कैन ने महानगर के विभिन्न दुकानों का किया चेकिंग। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा चलती रहेगी दुकानों के ई पास चेकिंग की प्रक्रिया। रोटरी क्लब गोरखपुर ने जिलाधिकारी के विजयन पांडियन को सौंपा 2,000 फेस मास्क तथा 150 PPE किट और फेस शील्ड दिया धन्यवाद। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में गुरुवार को भी महानगर में दिखा चहल पहल। बिना पास के शहर में आ रही गाड़ियों का किया गया चालान। CEO कैंट ने लोगों से की अपील। बहुत ही आवश्यकता पर मास्क लगाकर घरों से निकले बाहर।